आई थिंक जो शुगर सेक्टर है उसमें आपको ये देखना है कि वो कंपनी जो है वो सिर्फ शुगर प्रोड्यूस करती है या कुछ और भी करती है। और उसके साथ साथ जो मिल ओनर्स हैं उनको ये समझ आ गया है कि गवर्नमेंट अननेसेसरी सब्सिडीज नहीं देती रहेगी जो एक वक्त में पहले इनको मिलती थी। एक तो सेक्टर कंट्रोवर्सी में इसलिए रहता है क्योंकि इसके अंदर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉलिटिशियंस हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इस सेक्टर में। ऑल्दो पाकिस्तान की अगर मार्केट देखते हैं तो लास्ट 3 to 4 years में एथेनॉल हैज बीन अ वेरी बिग सब सेक्टर हमारी मार्केट में जो कि सामने आया है। और जो बॉटम्स अप इन्वेस्टर होता है जो कंपनी दे के खरीदता है उसके लिए इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता कि लिक्विडिटी कंपनी में है या नहीं है, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि कंपनी के अंदर अगर वैल्यू है तो ऑटोमेटिकली स्टॉक प्राइस अल्टीमेटली मूव कर जाएगी जो फेयर वैल्यू है कंपनी। तो पहले 4-5 महीने जो है प्रोडक्शन हो रही होती है और कंपनी अपना फाइनेंशियल एक्सपेंस वो सब जो है ना चार्ज कर रही होती है किताब के ऊपर, तो सेल कम हो रही होती है, तो इफेक्टिवली कंपनीज हो सकता है कि पहले 2 quarters में लॉसेस कर रही हो। एक्सपोजर लेना है ना तो आपको 6 महीने का व्यू नहीं होना चाहिए, आपको 2 से 3 साल का व्यू होना चाहिए। अगर आपका 5-6 महीने का व्यू है तो दिस इज नॉट अ गुड सेक्टर टू इन्वेस्ट इन। अगर आप देखें इस सेक्टर में JSW डिसेंट डिविडेंड देता है, बट मुझे लगता है कि अलाहाबाद शुगर अगर आप देखें उसकी हिस्टोरिकल उसकी हिस्ट्री रही है 50 to 65-70 rupees पर शेयर का कंसिस्टेंट बेसिस पे लास्ट 3 years से उसने डिविडेंड दिया है। शुगर सेक्टर में मेरी जो टॉप पिक होगी आई थिंक मीरपुर खास अमंगस्ट द कंपनीज, क्योंकि अभी उसकी वैल्यूएशन वापस से थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया है, इट्स अ गुड एंट्री पॉइंट राइट नाउ। उसके साथ साथ आई थिंक अलाहाबाद शुगर इज ऑल्सो अ गुड प्ले। शाह मुराद मेरे लिहाज से तकरीबन उसकी अर्निंग्स टॉप आउट हो गई हैं, आई थिंक कि अभी अर्निंग्स के अंदर इतनी ग्रोथ नहीं आएगी। अगर इसकी शेयर प्राइस 35-40% नीचे गिर जाती है देन इट सीम्स टू बी अ गुड प्ले टू बाय इन। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सलमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा टाइम दिया। शुगर सेक्टर को हमने स्पेसेस पे भी कवर किया था एंड आई थॉट दैट लेट्स रिव्यू दिस सेक्टर अगेन। तो सलमान भाई लेट्स स्टार्ट विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, सो माय नेम इज सुलेमान रफीक मानिया, क्या कहते हैं, I work as an independent wealth manager, portfolio manager, or I help high net worth investors as well as some corporates to invest in the equity markets as well as on the bonds, on the international bonds markets, primarily dealing in Pakistani global bonds. ठीक है, और उसके अलावा I am a firm believer of good corporate governance. And I also believe in shareholder activism, where हम लोग कुछ companies में public fights भी लेते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि governance अच्छी नहीं हो रही, and we try to actually increase our shareholding in those companies and actually then push for change after we let's say get some board level nomination. Thank you, Salman bhai. Salman bhai, अगर हम sugar sector की बात करें तो इसमें कौन से प्लेयर्स हैं लिस्टेड स्पेस में जो कि सिग्निफिकेंट हैं एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? श्योर। सो खजर भाई बेसिकली अगर आपको याद होगा तकरीबन 8-9 महीने पहले हम लोगों ने एक स्पेस की थी, आपने जो स्पेस होस्ट की थी शुगर के ऊपर, जहाँ पे आई थिंक जनरली लोगों को आइडिया इतना अच्छा नहीं था कि सेक्टर में क्या हो रहा है। और वहां से इफ आई रिमेम्बर करेक्टली शाह मुराद शुगर यूज टू बी लाइक 130-140 rupees and then it's gone up to like 340-350 rupees, और बाकी शुगर कंपनीज हैव आल्सो डन वेरी वेल, जहाँ पे मैंने हबीब शुगर को मेंशन किया था, मीरपुर खास शुगर को मेंशन किया था, अलबास इज ऑलवेज अ ग्रेट शुगर कंपनी। सो ब्रॉडली मोटा मोटा अगर हिसाब करें तो पाकिस्तान की शुगर प्रोडक्शन जो है साल की वो 6.5 to 7.5 million tons होती है। ठीक है,
और शुगर केन की जो प्रोडक्शन होती है एवरेज आप 10% अगर यील्ड को लगाते हैं तो शुगर केन की एक्चुअल प्रोडक्शन होती है 65 मिलियन टन्स के करीब, 65 टू 75 मिलियन टन्स के करीब, क्योंकि 10% ऑफ दैट इज 6.5 मिलियन टन्स, ठीक है। तो उसके अंदर अगर आप देखें तो मेन JRW जो है वो अराउंड 20-22% का मार्केट शेयर है उसका पूरी पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद फिर आपकी जो छोटी मिल्स है ना, वो छोटी मिल्स तो नहीं बोल सकता, फिर मिड साइज मिल्स आ जाती है उसमें। अगेन कुछ कंपनीज हैं जो एवरी कंपनी इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट ब्रॉडली अगर हम लोग देखते हैं तो अलाहाबाद शुगर हो गया, मीरपुर खास हो गया, मेहरान शुगर हो गया, फरान शुगर हो गया, हबीब शुगर हो गया, उसके अलावा पंजाब के अंदर कुछ पंजाब एंड KPK में कुछ और शुगर कंपनीज हैं JRW के अलावा, जो कि डिसेंट डिसेंट कंपनीज हैं और डिसेंट साइज है। सो ब्रॉडली आई थिंक जो शुगर सेक्टर है उसमें आपको ये देखना है कि वो कंपनी जो है वो सिर्फ शुगर प्रोड्यूस करती है या कुछ और भी करती है। तो जैसे जनरली जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि शुगर के साथ साथ एथेनॉल प्रोड्यूसर भी कंपनीज बनती हैं, और एथेनॉल में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो डॉलराइज एक्सपोजर होता है, और यहाँ पे आपको पता है कि क्योंकि आपके पास शुगर की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होती, बिकॉज कभी कभी ये इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्सपोज हो जाती है, तो उसकी वजह से एथेनॉल जो है वो कंपनीज को प्रोटेक्ट करता है डाउनसाइड के ऊपर। और अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि एथेनॉल पे भी फोकस करते हैं, एंड कौन सी हैं जो प्योरली शुगर पे करती हैं, बगास भी है, सो हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोडक्ट लाइंस। बिल्कुल सही है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो JRW जो है वो अभी उसका प्लान है डिस्ट्री लगाने का, लेकिन अभी तक उसके पास कोई डिस्टिलरी नहीं है, ठीक है। तो वो सिर्फ एक प्राइमरली शुगर प्रोड्यूसर है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन वो पावर की भी करता है थ्रू इट्स टू बगास फायर्ड पावर प्लांट, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं एथेनॉल का मेजर जो प्रोडक्शन होती है पाकिस्तान में वो बेसिकली सिंध बेस्ड मिल्स की होती है, ऑल्दो अब कंट्री भी एक दो मिल्स हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं एथेनॉल, लेकिन उनकी फ्री फ्लोट इतना कम है और टोटल कैपिटल रिलेटिवली म्यूटेड है, इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसकी वजह से आई वुड से कि वो इतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं है। बट सिंध की अगर कंपनीज में हम बात करते हैं, मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ एथेनॉल वुड बी अलाहाबाद शुगर मिल्स, हबीब शुगर मिल्स, फिर एक कंपनी यूनिकॉल ना, सो यूनिकॉल इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन मीरपुर खास, मेहरान एंड फरान, ये तीनों का एक JV बनाया हुआ है यूनिकॉल, जो कि बेसिकली मीरपुर खास की शुगर मिल के बिल्कुल नेक्स्ट डोर वो ये इनका प्लांट है। उसके साथ साथ पंजाब में एक मिल है क्या कहते हैं शकरगंज फूड्स, जिसका नाम था शकरगंज मिल, शकरगंज शुगर, और फिर आगे आपका शाह मुराद शुगर जो कि एक मेजर डिस्टिलरी है पाकिस्तान। शकरगंज में डिस्ट्री नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि पंजाब के अंदर भी कुछ और मिल्स हैं, तो उसमें शकरगंज भी शामिल है। सही। अभी बताएं कि इस सेक्टर ने ये साल डेढ़ में अच्छा परफॉर्म किया है, जब हमने लास्ट टाइम स्पेस की थी तो उसके बाद अच्छा परफॉर्म किया है। एक तो बताएं कि इसकी ये परफॉर्मेंस के पीछे क्या चीज़ है जिसने इसको अच्छा परफॉर्म कराया, और दूसरा एक ये भी क्वेश्चन मुझे आया था ऑडियंस से कि क्या हमारे जो शुगर सेक्टर के स्टॉक्स हैं ये 2017 वाले लेवल अचीव कर लेंगे। ओके, सो बेसिकली शुगर केन, शुगर अगर आपको मैंने आपको लास्ट अपनी आपकी स्पेस में भी बताया था कि शुगर सेक्टर ऑलवेज यूज्ड टू बी अ वेरी बिग सेक्टर इन पाकिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है शुगर केन की वो अभी भी यूटिलाइजेशन से डबल पे है, मतलब कि हमारी यूटिलाइजेशन कंपनीज की 45-50% यूटिलाइजेशन पे कंपनीज ऑपरेट करती हैं, ठीक है, थीके? क्योंकि ये सेक्टर जो है रिलेटिवली बहुत बड़ा सेक्टर होता था और उसके बाद कंपनीज ने एक्सपेंशंस करी, लेकिन जो जिन कंपनीज जो
प्रोडक्शन अपनी पूरी नहीं कर सकती थी, उनमें कोई M&A नहीं हुआ, तो उसकी वजह से वो पुरानी कंपनीज रहती रही. जनरली होता ही है कि जब M&A एक्टिविटी होती है तो कुछ कंपनीज बंद होती हैं, कुछ ऑब्वियसली मर्ज हो जाती हैं, और उसकी वजह से कंसोलिडेशन इंडस्ट्री में होती है और कुछ चेंजेस होता है होते हैं प्रोडक्शन लेवल के ऊपर. बट हमारे यहाँ पे इट इज जस्ट स्ट्रेंज, और ऑल्सो दैट अ लॉट ऑफ दिस इंडस्ट्री इज ऑल्सो पॉलिटिकली एक्सपोज, तो यहाँ पे उस तरह का M&A एक्टिविटी नहीं हुई. सो बेसिकली लास्ट 3 to 4 years में हुआ ये, एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि ट्रैक एंड ट्रेस जो प्रोग्राम है उसकी वजह से एक तो इस सेक्टर की जो प्रॉफिटेबिलिटी वो थोड़ी सी इम्प्रूव नज़र आ रही है, और उसके साथ साथ जो मिल ओनर्स हैं उनको ये समझ आ गया है कि गवर्नमेंट अननेसेसरी सब्सिडीज नहीं देती रहेगी जो एक वक्त में पहले इनको मिलती थी. सो दैट इज़ वाई नाउ द कॉन्सेप्ट शुड बी कि जो एफिशिएंट प्लेयर्स हैं दे विल सर्वाइव एंड मेक मनी, और जो इनएफिशिएंट प्लेयर्स हैं दे विल आइदर क्लोज डाउन और दे विल मूव टू अ डिफरेंट इंडस्ट्री. ठीक है, अगर आप देखें तो पंजाब में एक मिल होती थी इंपीरियल शुगर मिल्स, वो कंपनी ने अपने आप की पूरी फैसिलिटी बेच दी और एक प्लांट और अभी बेचने का प्लान है उनका, तो दे आर एक्चुअली मूविंग आउट ऑफ शुगर बिकॉज दे थिंक दैट शुगर के अंदर जो वैल्यू क्रिएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है कंपेयर टू जो के बाकी इंडस्ट्री में हो सकती है. ऑन द अदर हैंड ये हम लोग बात करते हैं यूनिकॉल की, जो कि सबसे विच इज द लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्टिलरीज इन पाकिस्तान, 2 लाख लीटर से ज्यादा की प्रोडक्शन कैपेसिटी है. उसके अंदर उन्होंने एक्चुअली अभी तकरीबन 4 महीने 5 महीने पहले एक पंजाब की कंपनी पॉपुलर शुगर उसको अक्वायर किया था. वो 6.5 से 7 हजार टन की प्रोडक्शन है उसकी पर डे की, बिकॉज उनको लगता है कि, और ये तीनों कंपनीज जो है ना मेहरान, फरहान और मीरपुर खास, ये तीनों बेस्ड हैं सिंध के अंदर. तो इन तीनों के पास इन्होंने क्या किया, इन्होंने पंजाब की ये पॉपुलर शुगर खरीदी, और इनको ये लगता है कि पंजाब के अंदर इकोनॉमिक ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू सिंध शुगर केन के लिहाज से. एक तो सिंध में एक मसला ये कि क्वालिटी प्रीमियम भी आपकी शुगर कंपनीज को देना पड़ता है, और रिलेटिवली उनको केन जो है ना वो थोड़ी सी महंगी मिलती है, क्योंकि सिंध में ज़्यादा मिल्स हैं और पंजाब में रिलेटिवली बड़ी मिल्स हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आपस में मिल्स के बीच में कंपटीशन प्राइसिंग के ऊपर कम होता है जब आपका सीजन टेल एंड के ऊपर होता है. आपको ये याद रखना है कि शुगर केन का जो मेजर रिपोर्टिंग साइकिल है वो सेप्टेम्बर ईयर एंड होते हैं मेजर कंपनीज के. ठीक है, और ये कंपनीज तकरीबन आप समझें कि नवंबर 20th को चलती हैं, और अनटिल फरवरी या मार्च मैं बोलूँगा मैक्सिमम, बट अनटिल फरवरी ये प्रोडक्शन करती हैं, और फिर बाकी पूरा साल ये लोग सेल कर रहे होते हैं जो इन्होंने प्रोड्यूस किया. सलमान भाई, ये सेक्टर हमेशा कंट्रोवर्सीज में क्यों रहता है? देखिए, 2-3 रीजंस हैं. एक तो सेक्टर कंट्रोवर्सी में इसलिए रहता है क्योंकि इसके अंदर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इस सेक्टर के अंदर. ठीक है, उसके साथ साथ ये सेक्टर को हमेशा गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तरीके से सब्सिडी देती है. अच्छा, सब्सिडी देने का जो मकसद है वो ये नहीं है कि पाकिस्तान के इनको फ्री में कुछ बेनिफिट मिलता है, उसका ये है कि गवर्नमेंट ने एक शुगर केन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस रख दी. ठीक है, जो कि ग्लोबल प्राइसिंग से 30% या 40% या 50% ज़्यादा है. तो अगर आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे तो शुगर केन रफली 80% के करीब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी. अगर 80% ही आपकी प्राइस 40-50% ऊपर है ग्लोबल बेंचमार्क से, तो ऑब्वियसली आप एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं सकोगे. ठीक है, बिकॉज आपके प्रोडक्शन कॉस्ट रिलेटिवली ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि फिर आप इम्पोर्ट के ऊपर कंट्रोल्स रख देते हो, और ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे थोड़ी सी चीनी महंगी होती है. ऑन दी अदर हैंड बेसिकली लास्ट 3 to 4 years में गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि इतनी एक्सेसिव गवर्नमेंट अपनी आपका अपना अगर अगर अपनी डेवलपमेंट इस सेक्टर में करती है तो अल्टीमेटली मिल्स भी ज़्यादा इम्प्रूव तरीके से नहीं चलती, एफिशिएंसी नहीं होती. ठीक है,
दैट्स वाई बूम एंड बस साइकिल्स अगर आप देखें हिस्टोरिकली होती रही थी इस इंडस्ट्री में और ये आगे भी होती रहेंगी. तो उसी को आंसर करने के लिए लास्ट 3 to 4 years में हुआ ये कि रिलेटिवली शुगर केन की सपोर्ट प्राइस में इतनी ज्यादा जंप्स नहीं देखी गई, ऑल्दो जंप्स देखी गई हैं बट कम देखी गई. और ग्लोबल साइड पे अभी शुगर केन प्राइसेस, सॉरी शुगर की प्राइसेस जो है वो बढ़ गई हैं कंपेयर टू पाकिस्तान में, तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट भी थोड़ा सा ज्यादा कंपेरेटिव हो गया. सही है. और ये सेक्टर टेक्नोलॉजिकली कैसे अपने आप को एडवांस कर रहा है, और आपने ट्रैक एंड ट्रेस का को मेंशन किया, तो वेयर डू वी स्टैंड ऑन दैट सिस्टम? ओके, सो देखें अगर आप हमारे बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर इंडिया में देखें तो इंडिया में तो बेसिकली ये इंडस्ट्री अलग ही लेवल पर ट्रेड ऑपरेट कर रही है. ठीक है, उसका मेजर रीजन तो ये है कि एथेनॉल वहां पे बहुत बड़ा लेवल हो गया. एथेनॉल का एथेनॉल एक तो वहां पे पेट्रोल के अंदर मिक्सिंग होती है, फिर जो रोड्स हैं रोड्स में बिटुमिन जो लगता है उसके अंदर भी वो एथेनॉल का यूज कर रहे हैं, और क्या कहते हैं परफ्यूम से लेके अ लॉट ऑफ थिंग्स. ना इंडियन मार्केट इज लाइक वेरी डिफरेंट नाउ. ऑल्दो पाकिस्तान की अगर मार्केट देखते हैं तो लास्ट 3 to 4 years में एथेनॉल हैज बीन अ वेरी बिग सब सेक्टर हमारी मार्केट में जो कि सामने आया है. और जब से यूरोपियन यूनियन ने हमें जो GSP प्लस का एक्सेस दिया है तो हमारी एथेनॉल की एक्सपोर्ट भी तकरीबन $300-400 million के करीब चली गई है, जो बेसिकली $40-50 million के करीब होती थी. तो अराउंड करंटली $450-500 million की आपकी एक्सपोर्ट्स होंगी एथेनॉल की, विच इज अ प्रीटी गुड नंबर. और एवरेज मिल तकरीबन $30-40 million की एक्सपोर्ट करती है. सलमान भाई, शुगर के जो स्टॉक्स हैं वो हमेशा लो वॉल्यूम होते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में. हमारे जो ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो इस सिचुएशन से कैसे डील कर सकते हैं? श्योर. सो बेसिकली देखिए, आपको कोई भी इन्वेस्टर को ये चीज समझनी है कि वो इन्वेस्ट क्यों कर रहा है. ठीक है, अब कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो कि वो देख रहे हैं कि किसी जो रिटर्न्स होते हैं किसी को लिक्विड स्टॉक्स में रिटर्न्स बनाने होते हैं, और कुछ स्टॉक्स जो हैं कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं वो देखते हैं कि उनका एक स्पेसिफिक रिटर्न है, वो चाहे कंपनी जैसी भी हो वो कंपनी के लिए कंपनी को देख के बॉटम्स अप इन्वेस्टमेंट करते हैं. और जो कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो टॉप डाउन करते हैं उनके लिए लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. जो बॉटम्स अप इन्वेस्टर होता है जो कंपनी देख के खरीदता है उसके लिए इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता कि लिक्विडिटी कंपनी में है या नहीं है, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि कंपनी के अंदर अगर वैल्यू है तो ऑटोमेटिकली स्टॉक प्राइस अल्टीमेटली मूव कर जाएगी जो फेयर वैल्यू है कंपनी. सो बेसिकली यहाँ पे दो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है. तो जैसे आपने कहा कि आपके जैसे कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो कहते हैं कि इतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है कंपनीज में, तो ऑब्वियसली यू आर राइट कि वो कंपनीज में लिक्विडिटी नहीं है क्योंकि ओवर टाइम ये कंपनीज के स्पॉन्सर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया है रादर देन डिक्रीज किया है. और अभी भी अगर आप लास्ट 1.5 to 2 years से देखें तो ये जो ट्रेंड है ये ज्यादा इट्स एक्चुअली गेनिंग मोर ट्रैक्शन बिकॉज यहाँ पे स्पॉन्सर्स को भी ये नजर आया है कि ये कंपनीज जो हैं वो बहुत सिग्निफिकेंटली लोअर प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रही हैं, और इनका कोई जवाब नहीं बनता क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री भी लगाते हैं आगे कुछ डेवलपमेंट करते हैं तो इतनी कम प्राइस के ऊपर कोई वैल्यूएशन के ऊपर कोई इंडस्ट्री लग ही नहीं सकती. अगर आप देखें 2-2.5 अरब रुपए की अगर मार्केट कैप के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है तो आजकल के लिहाज से 2-2.5 अरब रुपए का नंबर मतलब कि $100 million से भी कम है ना. 28 बिलियन $100 million लाइक 28 बिलियन रुपीज. तो 2 बिलियन रुपए का मतलब क्या है कि $10-11 million उसका तो कोई प्लांट लग ही नहीं सकता ना आजकल के टाइम के ऊपर. सो आई थिंक वो मेजर रीजन है. इन्वेस्टर्स को देखें सबसे पहले तो आई जस्ट वॉन्ट टू स्टेट कि नो वन इज पिचिंग यू एनी स्टॉक टू बाय. ठीक है, द ऑब्जेक्टिव फॉर दिस सेशन इज टू हैव अ डिस्कशन एंड टू एक्सप्लेन टू द ऑडियंस के जो अपनी खुद की रिसर्च करें. मैं तो ये बोलता हूँ कि आप लोगों को अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए. एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन और ऑब्वियसली अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें. बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छी कंपनीज के अलावा अगर कुछ कंपनीज है वो बहुत सिग्निफिकेंटली डिस्ट्रेस्ड वैल्यूएशंस पे चलती हैं,
दे आर सम पीपल हु आर विलिंग टू टेक दैट रिस्क एंड दे विल गेट द रिवॉर्ड। सलमान भाई, जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो तो ज़ाहिर है चार्ट्स देखते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे स्टॉक्स का। तो अगर किसी ने शुगर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो आप कौन सी ऐसी रेशोज हैं या इंडिकेटर्स हैं वो आप यूज करते हैं टू एनालाइज शुगर स्टॉक्स? सो सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी है खेजर भाई, कि ये जो सेक्टर है जैसे मैंने आपको बताया वो सितंबर इसका ईयर एंड है, इसकी अभी प्रोडक्ट पहला क्वार्टर दिसंबर के अंदर तकरीबन डेढ़ से दो महीने तक प्लांट चलते हैं, उसके बाद जो प्लांट चलते हैं वो तकरीबन अगले क्वार्टर में ढाई से तीन महीने चलते हैं, ठीक है, उसके बाद प्लांट बंद हो जाते हैं। तो पहले चार पांच महीने जो है प्रोडक्शन हो रही होती है और कंपनी अपना फाइनेंशियल एक्सपेंस वो सब जो है ना चार्ज कर रही होती है किताब के ऊपर, तो सेल कम हो रही होती है, तो इफेक्टिवली कंपनीज हो सकता है कि पहले दो क्वार्टर्स में लॉसेस कर रही हो, बट जो उनको बेनिफिट मिलता है अगर शुगर प्राइसेस बढ़ती हैं आगे, तो वो बेनिफिट उनको थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में मिल रहा होता है, जहां पे उनकी फंडिंग कॉस्ट भी कम होना चाहिए जैसे जैसे वो माल बेचते हैं। तो ये साइकिल जो है ना, ये इन्वेस्टर्स को एक्चुअली पता होनी चाहिए जब इन्वेस्टर जो है वो इस सेक्टर के अंदर काम करें। उसके साथ साथ जो मेजर जो थीम है जो मैं देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, पर डे कितनी प्रोडक्शन करती है, उसके एरिया की रिकवरी जनरली क्या है, उस कंपनी के अंदर कोई अपार्ट फ्रॉम शुगर कोई और एक्सपोजर है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ कंपनी के अंदर एथेनॉल एक्सपोजर है, कुछ कंपनीज के अंदर एथेनॉल से हटके भी पावर प्लांट्स हैं, कुछ कंपनीज थोड़ा सा ज्यादा डाइवर्सिफाइड है इन टर्म्स ऑफ के अगर आप हबीब शुगर को देखें तो दे ओन बैंक अल हबीब शेयर्स एंड उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, उनकी टेक्सटाइल के अंदर भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं एक्सेट्रा, यू नो। उसके साथ साथ अगर आप मीरपुर खास को देखें सो दे हैव एन एक्सपोजर टू यूनिकॉल जो कि इनकी डिस्टिलरी है, एंड नाउ दे हैव रिसेंटली स्टार्टेड अ पेपर प्लांट पेपर मिल एज वेल, और उनकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बुक भी है जहाँ पे वो उनकी ग्रुप की दो कंपनीज है जहां पे होल्डिंग है। फिर आप अगर अलाहाबाद शुगर को देखते हैं तो अलाहाबाद शुगर एथेनॉल और शुगर दोनों करती है, और उसके पास क्या कहते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां पे कुछ धाबे जी में जमीन है और कुछ पावर प्लांट है जो कि अभी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि वो बंद है, बट वो एक एसेट है। तो ये हो गया। फिर शामुराद आ गया, शामुराद इज अ शुगर एंड डिस्टिलरी, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट वेल रन डिस्टिलरीज ऑफ पाकिस्तान शाहमुराद, अपार्ट फ्रॉम यूनिकॉल, यूनिकॉल जैसे मैंने आपको बताया कि तीन कंपनीज का इक्वल जॉइंट वेंचर है, तो हर कंपनी जो है 33% ओन करती है इस कंपनी को। सलमान भाई, अगर मैंने इन्वेस्ट करना है इस सेक्टर में या आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिस सेक्टर, तो आप कौन से रेड और ग्रीन फ्लैग्स देखेंगे टू इंटर इन टू दिस सेक्टर एंड एग्जिट फ्रॉम दिस सेक्टर? अच्छा, सो फैंटास्टिक क्वेश्चन खेजर भाई। बेसिकली देखें, इस सेक्टर पे अगर आपको एक्सपोजर लेना है ना, तो आपको छह महीने का व्यू नहीं होना चाहिए, आपका दो से तीन साल का व्यू होना चाहिए। अगर आपका पांच छह महीने का व्यू है तो दिस इज नॉट अ गुड सेक्टर टू इन्वेस्ट इन, बिकॉज फर्ज करें कि छह महीने में हो सकता है कुछ कंपनीज लॉस करें बिकॉज उन्होंने माल नहीं बेचा हुआ, और एक साथ उनकी अर्निंग्स जब माल बेचेंगे तो एक साथ अर्निंग्स आ जाएंगी, यू नो। तो एक तो वॉलिटिलिटी ऑफ अर्निंग्स इज वेरी हाई, उसके साथ साथ आपका जो एक और रेड फ्लैग है वो ये है कि रिलेटिवली रिपोर्टिंग ऑफ नंबर्स इतने अच्छे नहीं है, जैसे बाकी सेक्टर्स में भी ऐसा ही होता है। पाकिस्तान में जो कंपनीज टाइटली हेल्ड है उनमें कभी स्पॉन्सर का इंटरेस्ट होता है कि अच्छी अर्निंग्स दिखाने का, तो वो दिखा देता है, नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली उनके अंदर कुछ मतलब कुछ भी नहीं होता। तो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ एंड विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर उसके आसपास की मिल्स जो हैं वो ज्यादा पैसे कमा रही हैं और वो कम कमा रही है परसिस्टेंटली, तो उसका क्या लॉजिक है कि स्पॉन्सर का इंटरेस्ट नहीं है, या तो फिर ट्रांसफर प्राइसिंग स्पॉन्सर कर रहे हैं, या तो कोई और रीजन ऑब्वियसली हो सकता है कि वो मिली इनएफिशियंट हो, ये भी हो सकता है। तो ये हो गया। ग्रीन फ्लैग्स के अंदर मेरे लिहाज से मैं तो देखता हूं कि उसका एक्सपोजर अपार्ट फ्रॉम शुगर किस पे है, और क्या वो वाला जो सेक्टर है जहां पे उसका एक्सपोजर है क्या वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा,
और इस कंपनी का क्या कंपेरेटिव एडवांटेज है, जिसमें हम इन्वेस्टेड है, सो क्या कंपेरेटिव एडवांटेज है आगे, और अगर मुझे लगता है कि वो वैल्यूएशन जो है वो उसपे सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, देन आई विल इन्वेस्ट इन दैट कंपनी. व्हेनेवर आई इन्वेस्ट इन द कंपनी, अगर वो इलिक्विड भी है कंपनी, लिक्विडिटी हैज अ वेरी लो प्रेफरेंस फॉर मी बिकॉज आई एम अ स्मॉल शेयर होल्डर, और आई थिंक के जो वैल्यूएशन है वो ओवर टाइम जो इलिक्विडिटी है वो खत्म हो जाएगी. मैं आपको एग्जाम्पल आपके सामने आपके शो में ही देता हूँ इसी वक्त ही, कि अगर आपको याद होगा शाम और आज शुगर की जब हमने बात की थी तो वो भी उस वक्त भी लिक्विड स्टॉक नहीं होता था और 130 140 का ट्रेड करता था. हम समझते थे कि क्या हमने गलती कर ली है, इतनी अच्छी अगर अर्निंग आ रही है, क्वार्टर की 30-40 रुपए अर्निंग दे रहा है तो क्यों ट्रेड नहीं करता. और अभी आप देखें 7-8 महीने के बाद क्या हो गया, 340 350 का हो गया, और स्पॉन्सर ने खुद ने 140 पे जब नहीं लिया था तो वो 250 260 280 300 रुपए तक उसने बाइंग करी है, यू नो. सो दैट शोज के नॉट ऑल द स्पॉन्सर्स एक्चुअली हैव अ 360 डिग्री व्यू ऑफ देयर ओन कंपनी. समटाइम्स स्पॉन्सर्स थिंक के यार कंपनी में इतनी ज्यादा अपसाइड नहीं आनी चाहिए, एंड देन जब मार्केट रीरेट करती है तो स्पॉन्सर का व्यू भी चेंज हो रहा होता है उसके ऊपर. सही. सलमान भाई, इस सेक्टर में कोई ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो कि अच्छा डिविडेंड देते हैं? डेफिनेटली. अगर आप देखें इस सेक्टर में JSW डिसेंट डिविडेंड देता है, बट मुझे लगता है कि अलाहाबाद शुगर अगर आप देखें उसकी हिस्ट्री रही है 50-65-70 रुपीज पर शेयर का कंसिस्टेंट बेसिस पे लास्ट 3 ईयर से उसने डिविडेंड दिया है, और 200 रुपए से ऊपर की अर्निंग है कंपनी की. अभी रिसेंटली बीच में बढ़ गया है थोड़ा सा, बट ये 400 रुपए के करीब होता था शेयर, तो क्या 2 के मल्टीपल पर ट्रेड करता है? आई मीन एंड अ वेरी वेल मैनेज्ड कंपनी जब से ये आसिम गनी, अगर आप देखेंगे जब से ये CEO बने हैं उसके साथ साथ शामराज शुगर जिसकी हम बात करें, दैट इज ऑल्सो प्रीटी गुड कंपनी. मुझे पर्सनली उस वक्त भी मैंने आपको कहा था मीरपुर खास शुगर भी अभी अच्छा लगता है. अभी उन्होंने रिसेंटली एक राइट शेयर भी दिया है, और उसका मीरपुर खास का रीजन ये है कि उसकी वैल्यूएशन जो है ना वो रफली शुगर केन की वैल्यूएशन है ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि उसकी जो यूनिकॉल है उसने लास्ट ईयर सिर्फ मीरपुर खास का जो शेयर था वो था 900 मिलियन रुपए, तो मतलब कि यूनिकॉल ने 2.7 बिलियन रुपीज कमाया है, और 900 मिलियन मीरपुर खास का जो शेयर था 900 मिलियन और मीरपुर खास का टोटल जो मार्केट कैप है अभी वो है 2.1-2.2 बिलियन रुपीस. तो एक कंपनी मतलब के ये जो यूनिकॉल है तो 1 के मल्टीपल से भी कम ट्रेड कर रहा है मीरपुर खास की किताब के अंदर अगर हम देखते हैं तो, यू नो. उसके बाद फिर इस कंपनी ने 3 साल पहले पेपर प्रोजेक्ट को कंसीव किया था, और पेपर प्रोजेक्ट अभी 6 महीने पहले बल्कि मई में ऑनलाइन आया है, अभी स्लोली रैंप अप होना शुरू हो रहा है, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रोजेक्ट बिकॉज इसमें सिग्निफिकेंट एडवांटेज है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, और जो लोकेशनल एडवांटेज है कि एक मीरपुर खास एक ही कंपनी है जो कि एक पेपर प्लांट रन कर रही है इन सिंध इन मीरपुर खास सिटी मीरपुर खास, बिकॉज जो बाकी सेंचुरी पेपर और पैकेजेस हैं वो दोनों बेस्ड हैं पंजाब के. तो यहाँ पे आपको एक फायदा ये होता है कि जो कचरा होता है जो कि आपके पास पुराना पेपर आता है और ये सब, वो अगर आप करीब हैं उस सप्लाई के तो आपकी एक तो कॉस्ट कम होती है और आप इजिली उसका एक्सेस आपको मिल जाता है, और फिर जब आप माल बेचेंगे भी तो आप अप कंट्री मीरपुर खास से कराची अगर माल बेचते हैं तो कम फ्रेट लगता है, मीरपुर खास से आप पंजाब माल बेचते हैं तो कम फ्रेट लगता है, रादर देन आप क्या कहते हैं कराची से अप कंट्री भेजें और फिर वो डाउन कंट्री आता है क्योंकि कंटेनर तो रिलेटिवली खाली जा रहे होते हैं. तो ये और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के जरिए आपको मालूम होगा जब से ये पेट्रोल और गैस की प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ऑल्सो नाउ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टू द होल इक्वेशन. आई थिंक ये है मेजर चीजें तो ये है. उसके साथ साथ आई थिंक शुगर सेक्टर में जैसे मैंने आपको बताया कि व्यू है लोगों का कि क्या है, अब इसमें कुछ कंपनीज थी मैं रेकमेंड नहीं करता लेकिन आई मीन जो कंपनीज लिस्टेड हैं तो हमको देखना भी चाहिए. एक कंपनी थी खेरपुर शुगर मिल्स जो 40 रुपए का शेयर होता था जो अभी 400 रुपए के करीब चले गया था,
अभी इसकी लेटेस्ट अर्निंग आई है 7 रुपए की क्वार्टर की, बट इस कंपनी का मार्केट कैप था 400 मिलियन का और अभी जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 7.2 टू 7.3 बिलियन रुपीज हो गया। ठीक है, तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि अभी 8 अरब की मार्केट कैप की, 7.3 बिलियन रुपीज है अभी, 7.3 बिलियन की मार्केट कैप पे चला गया था और इसके फ्री फ्लोट कुछ भी नहीं था। तो या तो स्पॉन्सर ने एक्टिविटी करी है या तो फिर किसी अलग प्लेयर ने करी है, बट इस तरह की एक्टिविटी जो इस सेक्टर में है ना वो आप देखते रहेंगे, वो हिस्टोरिकली होती रही थी और आगे भी मुझे लगता है होती रहेगी। तो आपने ये भी देखा है कि कभी कभी कुछ कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा जो डिस्ट्रेस वैल्यूएशन पर ट्रेड करती है, उनमें एक प्ले वैसे ही हो सकता है वैल्यूएशन कैचअप। अच्छा, अगर हम आपकी टॉप पिक्स की बात करें कि जिन लोगों ने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं इस सेक्टर में, तो आपकी टॉप पिक्स कौन सी हैं गोइंग फॉरवर्ड? शुगर सेक्टर में मेरी जो टॉप पिक होगी, आई थिंक मीरपुर खास अमंगस्ट द कंपनीज, क्योंकि अभी उसकी वैल्यूएशन वापस से थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया है, इट्स अ गुड एंट्री पॉइंट राइट नाउ। उसके साथ साथ आई थिंक अलाबा शुगर इज ऑल्सो अ गुड प्ले। शाह मुराद मेरे लिहाज से तकरीबन उसकी अर्निंग्स टॉप आउट हो गई हैं, आई थिंक अभी अर्निंग्स के अंदर इतनी ग्रोथ नहीं आएगी। अगर इसकी शेयर प्राइस 35-40% नीचे गिर जाती है देन इट सीम्स टू बी अ गुड प्ले टू बाय इन। उसके साथ साथ क्या कहते हैं, मेहरान शुगर इज ऑल्सो समथिंग टू लुक टू। और एक कंपनी है जो अभी डिफॉल्टर सेगमेंट में है लेकिन मुझे लगता है कि उसकी मार्केट कैप अभी सिर्फ 350 मिलियन रुपीज है, 35.5 करोड़ रुपए, मतलब कि हमारे जो डीएचए में, कराची के डीएचए में 2000 गज का जो प्लॉट है वो भी आजकल अगर आप देखें तो 40 करोड़ का है, 400 मिलियन के करीब। तो उसकी मार्केट कैप है 350-360 मिलियन। उसका नाम है हसीब अकाश अगम, वो बहुत टाइम से प्लांट बंद था, वो इस सीजन उन्होंने जो नोटिस दिया है वो तो ये दिया है कि हम इस सीजन में चलाएंगे। अब ये नहीं पता कि इस सीजन में चलता है या 15 दिन चलता है या कुछ चलता है, बट इसको नेक्स्ट सीजन के लिए बंदा ले सकता है अगर किसी को कोई पंट करना हो तो। इट्स नॉट अ, दिस इज नॉट अ कंपनी जो कि आपको डिविडेंड्स देगी अभी, बट वैल्यूएशन के ऊपर इतना सस्ता है मेरे लिहाज से कि इसमें एक कैचअप रैली आई थिंक के होनी चाहिए। और जब ये प्लांट रीस्टार्ट होगा तो आई एम श्योर ये लोग लोन लेंगे बैंक से एक्सेट्रा, तो अपनी वैल्यूएशन को अल्टीमेटली इम्प्रूव करेंगे और ये इसमें आई थिंक एक कैचअप रैली जो है वो होगी। बट दिस इज अगेन एज आई मेंशन टू यू, दिस इज स्लाइटली नॉट इन्वेस्टमेंट ग्रेड। अभी ये डिफॉल्टर सेगमेंट में है और वो भी इसलिए क्योंकि 4 साल से ये प्रोडक्शन बंद है। जिस दिन प्रोडक्शन स्टार्ट होगी उसके नेक्स्ट आई थिंक फ्यू डेज के बाद एक्सचेंज इसको डिफॉल्टर सेगमेंट से पोटेंशियली निकाल देगा। बट द ग्रुप इज अगेन नॉट अ गुड ग्रुप टू इन्वेस्ट इन, सो डिपेंड करता है इन्वेस्टर की प्रोफाइल के ऊपर। सलमान भाई, आप इन्वेस्टर्स के राइट्स पे भी बात करते रहते हैं, हमने एक स्पेस भी की थी इस टॉपिक पे, और प्रीवियसली यू आल्सो वर राइटिंग अबाउट पैकेजेस आई बिलीव। अभी आप नो सिक्योरिटी पेपर्स, प्रीवियसली सम इयर्स बैक देयर वाज अ स्कैंडल अबाउट सम अदर कंपनी, अभी आप ट्राइपैक फिल्म्स जी, अभी आप सिक्योरिटी पेपर्स पे बहुत लिख रहे हैं, ये इसकी कंट्रोवर्सी क्या है, व्हाट स्टोरी बिहाइंड दिस? सो बेसिकली खिजर भाई, अगर आप देखते हैं तो एक रेगुलेशन है पीएससी, पाकिस्तान पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज। और अगर आप देखें तो आईएमएफ ने जो कंडीशनैलिटी डाली है वो है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज एक्ट, एसओई एक्ट, के जो कंपनीज है जहां पे गवर्नमेंट की 51% से ऊपर शेयर होल्डिंग है उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लेकर आए ताकि उन कंपनीज की गवर्नेंस इंप्रूव हो और अल्टीमेटली उसमें जो डिसीजन मेकिंग जो गवर्नमेंट के लोग करते हैं उससे ज्यादा बेहतर डिसीजन मेकिंग हो, बिकॉज इंडिपेंडेंट पीपल आर सपोज टू एक्चुअली टेक द राइट डिसीजंस और टेक डिसीजंस इफेक्टिवली। गवर्नमेंट के जो पास कोई चीज होगी तो वहां पे इनएक्शन या स्टेटस को मेंटेन करने का ऑब्जेक्टिव होता है और वो अपनी बोर्ड फीस और ये सब ले रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते। तो ये जो कंपनी है ये आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक कंपनी टू ओन, मोनोपोली है। बट लास्ट फ्यू ईयर्स में क्या हुआ है कि इसके अंदर एक तो जो मैनेजमेंट्स आई हैं और जो जब से ये स्टेट बैंक के अंदर आई है हमें लगता था कि ये कंपनी की गवर्नेंस इंप्रूव होगी, बट एक्चुअली इट्स गॉन डाउन द ड्रेन इफेक्टिवली।
और हुआ यह है कि इस कंपनी में एज अ रूल कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स हैं कि हर कंपनी में वन थर्ड डायरेक्टर्स हैव टू बी इंडिपेंडेंट, बट इस कंपनी में आप सरप्राइज्ड होंगे कि जीरो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के सर्वेंट्स जिसमें सवाले फारूकी आते हैं कॉमर्स सेक्रेटरी, फिर वो आ जाते हैं पंजाब प्रोविंशियल बैंक के सीईओ आ जाते हैं, फिर एनआईटी के कुछ लोग आ जाते हैं, वही लोग आपस में एक दूसरे को नॉमिनेट करते हैं और कोई आउटसाइड इन्वेस्टर आ ही नहीं सकता इसके बोर्ड के ऊपर। जब वो नहीं आएंगे तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आई मीन विल बी स्वेप्ट अंडर अंडर द कारपेट एज वेल, और इन लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं होता कि कुछ करने का। आप देखिए ना एनआईटी कितनी कंपनीज के बोर्ड्स के ऊपर है, उन्होंने क्या कर लिया है चेंज जब से वो बोर्ड के ऊपर है, वो तो इनफैक्ट अपनी बोर्ड सीट छोड़ते ही नहीं है, कि वो बोलते हैं कि हमें बोर्ड सीट हम छोड़ेंगे नहीं। हालांकि आप अगर म्यूचुअल फंड है, आपके पास अगर पब्लिक पैसा है, क्योंकि ये पैसा एनआईटी के जो एम्प्लॉयज है उनका नहीं है ना, उनके पर्सनल पैसा है, ये पब्लिक मनी है क्योंकि पब्लिक फंड है, ठीक है। तो ये उस जैसे हम अपनी अपने पैसे से काम करते हैं, ये अपने पैसे से काम नहीं करते, ये बाकी लोगों के पैसों से काम करते हैं। सो देयर शुड बी अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ डिस्क्लोजर एंड ओपननेस इन टू देयर डिसीजन मेकिंग कंपेयर टू आवर्स, बिकॉज हम तो हमारा पैसा है ना, अगर आपका खेसर भाई पैसा है, कल सुबह आप उसको जला देते हैं तो गवर्नमेंट आपसे ये नहीं पूछ सकती कि आपने क्यों चला दिया। लेकिन अगर ये लोग गलत डिसीजन मेकिंग करते हैं या ये फाइड्यूशी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते, देन दैट इज अ क्लियर केस कि यार कि इट वॉज नॉट देयर मनी, देवर एक्चुअली यूजिंग दिस मनी ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स। सो इस कंपनी के अंदर अगर आप देखें तो कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं था, तो इसी के ऊपर हम लोगों ने एक केस भी किया है इस कंपनी के ऊपर। और इनफैक्ट यू वुड बी सरप्राइज्ड के उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज जस्टिस बाबर सत्तार ने एक्नॉलेज किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिप्रेजेंटेशन भेजी थी कि दिस शुड बी ट्रीटेड एज आई मीन एटलीस्ट द मिनिस्ट्री शुड डिसाइड कि इस कंपनी को द क्लियर इंस्टेंसेस के ये कंपनी शुड बी एन एसओई स्टेट ओन एंटरप्राइज, क्योंकि 51% से ऊपर गवर्नमेंट की डायरेक्टर इनडायरेक्ट होल्डिंग है। अब स्टेट बैंक क्या है, दिस इज ओन क्लियरली बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इट्स नॉट एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है कि वो, क्योंकि वो तो उसमें तो गवर्नमेंट के लोग ही नॉमिनी है ना, नॉमिनी डायरेक्टर्स है। तो अगर स्टेट बैंक के लोग हैं, स्टेट लाइफ है, एनआईटी है, पंजाब प्रोविंशियल बैंक है, और ये सब मिला के 65% शेयर होल्डिंग है, सो व्हाई इज इट नॉट एन इंडिपेंडेंट, व्हाई इज इट नॉट क्लासिफाइड एज अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। अच्छा, इसमें मेन मसला स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज का भी नहीं है, मेन मसला ये है कि अगर आप देखें तो पिछले 4-5 सालों में बहुत क्वेश्चनेबल डिसीजन हुए हैं इस कंपनी में। एक वक्त तो इस कंपनी ने तकरीबन 6 अरब का सॉरी 4 अरब का कैश था, और एक वक्त में इसने 3 अरब रुपए इक्विटी मार्केट फंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया था। ये कोई भी बेंचमार्क के खिलाफ है कि आप इतना बड़ा एक्सपोजर जिस एसेट क्लास का वो कुछ पता ही नहीं है ना, कंपनी के पास कोई अंडरस्टैंडिंग थी एक्विटीज के अंदर, ना उनके पास वो स्किल सेट था, ना उन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट करी थी इस एसेट क्लास में, ठीक है। और इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी और विद इन 3 ईयर्स दे लॉस्ट मोर देन, मेरे जो कैलकुलेशन है दैट शोज दे लॉस्ट मोर देन 50-55% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मतलब 3 अरब की इन्वेस्टमेंट करी तो 1.5 अरब का तकरीबन उन्होंने लॉस कर लिया था। और जो पोटेंशियल लॉस था, क्योंकि ये कंपनी तो हमेशा वो करती थी फिक्स इनकम में ट्रेड करती थी, तो जो पोटेंशियल लॉस था वो तो 3 अरब से ज्यादा था, मतलब 3 अरब की इन्वेस्टमेंट थी, वो 6.5 से 7 अरब हो जाती 4 सालों में, वो एक्चुअली बच गई 1.3-1.4 बिलियन रुपीस। तो आप समझे रफी 3.5 से 4 अरब रुपए का इन्होंने तमाम शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुंचाया है क्वेश्चनेबल डिसीजन करके। उसके बाद इनके पास इतना ज्यादा कैश था, रजा वाकर के टाइम पे उन्होंने आफ्ताब मंजूर को चेयरमैन अपॉइंट किया था इस कंपनी का, और उसके बाद उनका एक्सपेंशन था, ये कंपनी का को एक्सपेंशन करना था, मतलब कि 40-50 मिलियन डॉलर का एक्सपेंशन करना था इनको। और हालांकि इनके पास कैश भी था, फिर आपको याद होगा स्टेट बैंक ने टर्फ भी इंट्रोड्यूस किया था, तो ना इन्होंने 1 रुपया टर्फ का लिया। इनफैक्ट मैंने जब एजीएम में सवाल पूछा कि टर्फ तो आपको 1% पे मिल रहा है और उस वक्त भी इंटरेस्ट रेट 10-11% था, तो आप एक्सपेंशन करें और जो करंट कैश है वो आप क्या कहते हैं
अपनी वो कर दें, फिक्स्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ले लें, या तो PIB ले लें या कोई और इंस्ट्रूमेंट ले लें, तो आप क्यों नहीं करते? तो इनके CFO ने मुझे जवाब दिया कि हम 1% भी क्यों दें रिटर्न, हमारे पास तो इतना कैश है। तो मैंने बोला कि आपको उसके अगेंस्ट में 10% का रिटर्न तो मिल रहा है। तो वो उन्होंने AGM में कहा कि ये तो मैंने सोचा नहीं था। तो अगर आप देखें कि इस तरह के लोग अगर कंपनीज को रन करेंगे तो कंपनीज प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकती, और अगर प्रॉफिटेबल होंगी बिकॉज वो मोनोपोलीज हैं, तो जितनी प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती थी उससे 1/3 भी नहीं आती मेरे लिहाज से। और अल्टीमेटली इफेक्टिवली आई कैन नॉट से विद 100% श्योरिटी, बट इसमें देर इज ह्यूज इश्यू ऑफ स्किन इन द गेम कि अगर आपके पास शेयर होल्डिंग है तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से इसको ऑपरेट करेंगे। अगर आपके पास कोई शेयर्स ही नहीं है इस कंपनी में, ना मैनेजमेंट के पास कोई शेयर्स होते हैं, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता कंपनी प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो, उनके पैसे तो वो बना रहे होते। सो ये सब चीजों को कंसिडर करना चाहिए। और अल्टीमेटली गवर्नमेंट का लॉस तो हमारा लॉस है ना एट द एंड। अगर आप गवर्नमेंट अच्छी चलेगी तो, और अगर हमारी भी इन्वेस्टमेंट सही तरीके से गवर्नमेंट कर रही होगी, जो गवर्नमेंट टैक्स के पैसों से ये वाली कंपनी चलती है ना इफेक्टिवली, इन अदर वर्ड्स, तो पाकिस्तान शुड बी अ विनर इफेक्टिवली इन दैट। एंड व्हाट इज रॉन्ग विद कॉलिंग आउट पीपल हु आर नॉट डूइंग देयर जॉब वेल? सो आई थिंक दैट दिस इज समथिंग विच शुड बी डन। इन फैक्ट आई वुड इनकरेज पीपल टू डू इट मोर। और AGMs और ये सब आपको याद होगा, मैंने भी आपको पहले भी सजेस्ट किया था, हर AGM पे अटेंड करें, एंड यू शुड अटेंड एंड एक्चुअली आस्क क्वेश्चंस। और लास्ट AGM पे तो अगर आपको याद होगा सिक्योरिटी पेपर पे हुआ ये कि जब हम लोग, मैं भी गया था और भी बाकी शेयर होल्डर्स ने सवाल पूछे, तो इनके चेयरमैन ने सवाल बीच में रोक दिए और बोला कि बंद करो सवालों को, हमारे पास मेजोरिटी है, और मूव करो नेक्स्ट एजेंडा को, एजेंडा खत्म करके मीटिंग जल्दी खत्म कर दी। और उसी के ऊपर आकिफ सईद SECP चेयरमैन ने नोटिस लिया ताकि आगे से चीजें नहीं हो सके। बट वॉट इज इंटरेस्टिंग इज एटलीस्ट द रेगुलेटर इज ऑल्सो नाउ स्टेपिंग अप। और इस तरह की जो चीजें होती है, वी शुड इफेक्टिवली, माई व्यू इज वी शुड कॉल देम आउट एंड मेक श्योर के ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब होती है तो हमारी वर्थ इंडिविजुअली भी और कंट्री की भी वो कम होती है। एक्सीलेंट सलमान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर द एक्सप्लेनेशन। वी विल मे बी हम किसी और वक्त एक इन्वेस्टर्स राइट्स पे भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच सलमान भाई। श्योर खजर भाई, थैंक्स अ लॉट। ओके बाय।